नर्स की सैलरी दे दी, नर्सेस की सैलरी दे दी, नहीं नर्स की सैलरी दे दी, नर्सेस की सैलरी दे दी, नहीं बिल्कुल मैं आपको सुन रही हूँ। सवाल ये वही का फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक 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 मालिक हम हैं, वो कहाँ दिल में घुस गए हैं? फ्री में देने के लिए मालिक नहीं है। ठीक है, आप दिल्ली की बात करिए भैया, संविधान क्रॉस नहीं करने दूंगा, बैरिकेडिंग लगी हुई है, संविधान तो पूरे भारत में लागू होगा। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब फ्री वैक्सीन दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कब फ्री वैक्सीन दे रही है, गुजरात की सरकार, यूपी क्यों भाग रहे हैं? आप दिल्ली में रहिए, अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली के बोलो तो मत करिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कब ला जाएगा फ्री में? आप जहां कंप्लीट स्टेट है, जहां कंप्लीट स्टेट है वहां पर कब ला जाएगा? अरे भैया भैया, आपने कानून बनाकर अब तो उपराज्यपाल को मुखिया बना दिया। आप लंदन से करेंगे कि हमने वर्ल्ड क्लास जो है वो हर कूड़े घर के बगल में हमने बना दिया हुआ है। अरे कूड़ा उठवाना एमसीडी का काम है, दिल्ली सरकार का नहीं है। क्लीनिक की बात, कूड़ा उठवाना एमसीडी का काम है। आप एमसीडी कूड़ा क्यों नहीं उठवाते? बस के टिकट कूड़ा क्यों नहीं उठवाते? पानी फ्री, बिजली फ्री, वैक्सीन क्यों नहीं फ्री दे रही है? क्यों लोगों के जान के साथ? अरे भाई वैक्सीनेशन का सुनिए, शुरुआत में चर्चा की, एके मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगी, क्या नाइट कर्फ्यू पर्याप्त है कोरोना को रोकने के लिए? देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, जहां पे 100% मेडिकेशन मतलब साइंटिफिकली प्रूव्ड अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो वहां पे कोई भी उपाय देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है या 100% क्योरेबल नहीं हो सकता है। रही बात, हम पार्शियल फेज पे खड़े हुए हैं। पार्शियल फेज मतलब कि 100% कोरोना का कोई ऐसा वैक्सीनेशन या 100% जो है गारंटीड इलाज तो अभी निकला नहीं है, तो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, 24 आवर का कर्फ्यू ना हो करके नाइट कर्फ्यू आप जितना कर सकते हैं उस हिसाब से मैं इसको एक एप्रिसिएबल कदम मानूंगा और मैंडेटरी मानूंगा। रही बात, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई क्या नाइट कर्फ्यू से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा साहब, उसके पीछे कारण है, पिछले 1 सालों से ये कर्फ्यू लगा के कोरोना को रोकने के लिए उसके साइड इफेक्ट आप देखिए इकोनॉमी वगैरह पे जो हो रहे हैं। तो सरकारों ने जो केवल नाइट कर्फ्यू का ऑप्शन लिया है उसके पीछे कारण यह है कि हमें दोनों ही चीजों को देखना है, जिंदगी की रफ्तार को भी 100% नहीं रोकना है और जिंदगी को बचाना भी है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप सड़क पे जाते हैं, कहीं रेड सिग्नल आ जाता है, कहीं ब्रेकर आ जाता है, तो आपके बेहतरी के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% दीवार खड़ी कर दी गई है या उससे 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, लाइफ हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, लाइफ के दोनों पहलुओं को देखते हुए हमें जिंदगी बचानी भी है और जिंदगी चलानी भी है। इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट ने, सरकारों ने, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने शायद ये अभी एक बढ़िया मुहिम छेड़ा हुआ है कि ठीक है भाई, हम जितना रोक सकते हैं रात को इतने बजे के बाद भीड़ भाड़ ना हो, प्रिकॉशंस तो ले ही रहे हैं ना, तो ये एक एप्रिशिएबल कदम है, इसको बहुत क्रिटिकल वे में और पॉलिटिकाइज नहीं करना। लेकिन फिर भी संक्रमण का ठीक है मिश्रा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? अगर दिल्ली के हालातों को देखा जाए, गंगाराम अस्पताल एम्स अभी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और लगातार केसेस की बात करें तो बढ़ते ही जा रहे, दिल्ली की खास करके अगर बात करें, दिल्ली और नोएडा की लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोकने के क्या प्रयास किए गए हैं आपकी नजर से, किस तरीके से देखते हैं अगर पिछले साल को देखें और अभी के आंकड़ों को देखें? गंगाराम हॉस्पिटल का केस अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो डिफरेंट हो सकता है। आपने अभी बोला था कि वो माइल्ड सिम्टम उनके पास है, तो ये भी पॉसिबल, उनको वैक्सीन लगा था इसलिए वो सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वैक्सीन के प्रभाव के कारण वो हल्का सा माइल्ड जो है इफेक्ट दे करके उनको इन्फेक्टेड कर दिया है। अब पता नहीं सेकंड शॉट भी उन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि 2 शॉट जरूरी है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली का देखा जाए तो आप पिछले साल देखिए, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ, जिस चीज का ढोल केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग पीटते थे वो कानों को बड़ा अच्छा लगता था कि मोहल्ला क्लिनिक बन गया, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी हो गई। और ये फैक्ट है, हर कूड़े घर के बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। किसी ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। तो मैं तो ये सोच रहा था ना, जहां हर 100 कदम पे मोहल्ला क्लिनिक है वहां तो कोरोना जैसी महामारी आनी ही नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे घुस गई, पहला ये रीजन है। दूसरी बार जब दिल्ली में ये सब चीजें होने लगी, दिल्ली सरकार ने एकदम खूब चूहे की तरह उछल कूद मचाई, उसके बाद सेंट्रल को बीच में आना पड़ा, तब जाके कहीं कंट्रोल हुआ। रही बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी लगभग 25-30% फ्लोटिंग पॉपुलेशन दिल्ली की होती है, प्रवासियों की होती है। तो सबसे बढ़िया इलाज इन्होंने ये किया था, भाई प्रवासियों को भगा दो आप, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ना उनको खाना देना पड़ेगा, ना पीना देना पड़ेगा, ना इंजेक्शन देना पड़ेगा।
चौथा सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ, दिल्ली सरकार ने चुनाव के पहले बहुत सारी चीजें फ्री कर दी थी, शायद अभी भी फ्री है, जैसे बसों की, इन सब चीजों की। केंद्र सरकार को मैं मानता हूँ कि वो फ्री में वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि दिल्ली सरकार अपने बजट से, मुझे पता नहीं दिल्ली सरकार फ्री में दे रही है कि नहीं दे रही है, कम से कम एक मेगा कैंपेन चलाए। हर आदमी को जैसे बस का टिकट इन्होंने फ्री दिया, फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दिया, तो जान बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन कब से फ्री में दे रहे हैं ये डिक्लेयर कर दें और हर घर में जाके फ्री में वैक्सीनेशन लगवाएंगे। जी मैं जवाब देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार कब फ्री वैक्सीन दे रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कब फ्री वैक्सीन दे रही है, गुजरात की सरकार, यूपी क्यों भाग रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, बिल्कुल करेंगे, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कब ला जाएगा फ्री में, आप जहाँ कंप्लीट स्टेट है, जहाँ कंप्लीट स्टेट है वहाँ पर कब ला जाएगा। अरे भैया भैया, आपने कानून बनाकर अब तो उपराज्यपाल को मुखिया बना दिया। से करेंगे कि हमने वर्ल्ड क्लास जो है वो हर कूड़े घर के बगल में हमने बना दिया हुआ है। अरे कूड़ा उठवाना एमसीबी का काम है, दिल्ली सरकार का नहीं है। कूड़ा उठवाना एमसीबी का काम है, आप एमसीबी कूड़ा क्यों नहीं उठवाते, बस के टिकट कूड़ा क्यों नहीं उठवाते, फ्री पानी फ्री बिजली फ्री वैक्सीन क्यों नहीं फ्री दे रही है, क्यों लोगों के जान के साथ। अरे भाई वैक्सीनेशन का सुनिए, वैक्सीन सुन लीजिए, आप जवाब दे रहा हूँ, वैक्सीन के डोजेज का अलॉटमेंट यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, यूनियन गवर्नमेंट दे दे दिल्ली सरकार को कि नहीं अपने नहीं तो बोल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी डोजेज को वैक्सीन दे रही है। ठीक है, हम सबको, हां ठीक है, हम मान गए। पहले अरे सुनिए सुनिए मिश्रा जी, सुनिए सुनिए, ठीक है, मान लीजिए ना कि भाई हम यूनियन गवर्नमेंट के सामने हमें भीख मांगना पड़ता है, मान लीजिए ना, हर राज्य को मांगना पड़ता है, फिर क्यों चिल्लाते हैं कि हमने ये किया वो किया, तो बोलिए ना कि पहले यूनियन गवर्नमेंट है फिर हम है, तो फिर एलजी को अधिकार देने के लिए चिल्लाते क्यों हैं आप, उसमें बोलने की जरूरत क्या है, बात मत करिए सर, या तो आप मान लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट के बिना हम संभाल नहीं सकते हैं। यही चीज हमने बोला कि पिछली बार भी दिल्ली में जब ये सब चीजें हुई तो यूनियन गवर्नमेंट को आना पड़ा, आपकी गवर्नमेंट फेल हो गई। अच्छा, जब क्रेज लेना होगा तो हम है जी, जब हाथ पांव फूलने लगेंगे तब यूनियन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। सवाल तो यही था कि पिछली तस्वीरें वापस आ रही है रत्नेश जी, पिछली तस्वीरें वापस आ रही हैं, एक साल में क्या किया है केजरीवाल ने, फ्री में वैक्सीन आप कब बांटेंगे, पहले ये डिक्लेयर करिए, जैसे फ्री में बिजली पानी और आपने बस का टिकट दिया था। बिल्कुल मैं डिक्लेयर करता हूँ, यूनियन गवर्नमेंट को बीच में मत आइए, आप पानी देने के लिए यूनियन गवर्नमेंट से पूछा था, बस का टिकट फ्री करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट से आपसे पूछा था। अरे आप खरीद लीजिए ना, आप खरीद लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है क्या, ठीक है, बोलिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। एक मिनट, ठीक है, रत्नेश जी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप यूनियन गवर्नमेंट को बीच में लाएंगे, बिल्कुल मैं आपको सुनूंगी, सवाल ये वही का फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं, एक जो बोलते थे दिल्ली के मालिक हम हैं वो कहां दिल में घुस गए हैं, फ्री में देने के लिए मालिक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको सुनूंगी, सवाल ये वही का फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं, एक जो बोलते थे दिल्ली के मालिक हम हैं वो कहां दिल में घुस गए हैं, फ्री में देने के लिए मालिक नहीं है, ठीक है रत्नेश जी। अब मैं जवाब दूं, हाँ। दिल्ली के मालिक को बुलाइए भाई, बोलिएगा रत्नेश जी, भाई अगर ऐसे इंटरप्ट करना है तो मत, नहीं देखिए सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना रत्नेश जी, सवाल लाजमी है कि कहाँ है आखिर। मिश्रा जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, केवल दिल्ली की सरकार नहीं भारत के 28 राज्यों की सरकार, अरे साहब आप दिल्ली की बात करिए, आप फालतू में लंदन यूपी उड़ रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार है वहीं की बात करिए, आप यूपी और एमपी मत जाइए, आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली के लिए आप अधिकारिक प्रवक्ता, आप दिल्ली के लिए हैं, आप यूपी जाएंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा, आप बंगाल जाएंगे तो मैं, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात करिए, आप एक कंपैरिजन किसी दूसरे जगह से लंदन से मत करिए, आप दिल्ली की बात करिए, संविधान का इस्तेमाल तो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दूंगा, संविधान का इस्तेमाल तो दूं, बैरिकेडिंग लगी हुई, संविधान तो पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है, रत्नेश जी रत्नेश जी एक मिनट रत्नेश जी रत्नेश जी रत्नेश जी मैम, फ्रंट वर्कर्स की सैलरी दे दी आप लोगों ने, मैम फ्रंट वर्कर्स की सैलरी दे दी, फ्रंट वर्कर्स की सैलरी दे दी, नर्सेस की सैलरी दे दी, नहीं बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से भागेंगे, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, दिल्ली में दरियाराम अस्पताल, एक एक करके प्लीज
जवाब दीजिए आपको रत्नेश जी, सिर्फ जवाब दीजिएगा, जवाब आप इस बात को इंश्योर करिए कि जब मैं बोलूंगा तो आप सवाल का जवाब दीजिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, सिर्फ सवाल का जवाब, इधर उधर की बात नहीं, सवाल का जवाब। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है आप प्लीज मत बोलिएगा क्योंकि मैं संविधान जवाब ठीक है जवाब 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 भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है कि जब भी कोई महामारी होगी या कोई आपात स्थिति होगी तो समस्त राज्यों की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के अधीन कार्य करेंगी। केवल एक समस्त राज्य, मैंने ना तो दिल्ली का नाम लिया ना उत्तर प्रदेश का नाम लिया, हम मिश्रा जी इस पे कूद जाते थोड़ा उछल हम बाद में कूदेंगे, आप बोलिए उछल जाते, इसलिए मैंने हम आपको बोल दिया, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, एहसान नहीं कर रहा। ठीक, रही बात ये कि समस्त राज्य होते हैं एपिडेमिक पे या इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है, यूनियन के अंडर काम करते हैं और हम सब जानते हैं कि जो भी केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो वित्तीय संबंध है, ठीक है, वित्तीय संबंधों में संघ को प्रधानता दी गई है हमारे संविधान में। ठीक, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी राज्य हैं वो सारे वित्तीय मामलों में वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र के ऊपर निर्भर है, केंद्र के ऊपर, केंद्र जब तक उन्हें अनुदान नहीं देगा, केंद्र उन्हें अगर सब्सिडी, हाई कोर्ट ने आप लोगों से लिया केस, ठीक है आप बोलिए, मिश्रा जी आप संविधान की बात करिए, हम संविधान के हिसाब से जल्दी से सरकार के देरी साहब के पास भी मुझे जाना है, इंतजार कर रहे हैं वो, जल्दी से बात का जवाब जल्दी से, हाँ खुद उस मुद्दे पर एक मिनट मुझे बोल दीजिए, नर्सेस की सैलरी नहीं दी गई है, मैं मुझे बोलने दीजिए, देखिए हमारे मित्र मिश्रा जी ने अभी बोला संविधान की बात और पूरे इंडिया की बात, अब मैं डिबेट को इसी पैरामीटर पे पूरे पैन इंडिया और संविधान के हिसाब के लिए लेकर लेकर के जाता हूँ। मैं मानता हूँ, इनकी बात से सहमत हूँ कि संविधान के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं वो राज्यों के लिए जरूरी है। अब मुझे आप एक चीज ये बताइए, मैं किसी एक प्रदेश का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मिश्रा जी ने पैन इंडिया को ओपन कर दिया है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे धन की व्यवस्था दूसरे राज्यों को करवाई, बंगाल में ममता बनर्जी ने उन योजनाओं को नहीं पहुंचने दिया किसानों तक, गरीब जनता तक, हेल्थ कार्ड जो था दिल्ली में क्या कंडीशन है मुझे पता नहीं, ये यही बताएंगे कि उस हेल्थ कार्ड को जो प्रधानमंत्री ने संविधान के थ्रू संसद के थ्रू लागू किया था क्या वो दिल्ली में और दूसरे राज्यों में नहीं होता है। एक तरफ अभी ये चिल्लाते हैं कि एलजी को इतना पावरफुल क्यों, अरे एलजी को इसलिए पावरफुल कर रहे हैं कि आप नहीं सक्षम है, वो भी तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो भी तो जो केंद्र केंद्र के द्वारा निर्देशित चीजें हैं, जवाब दूं क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, बात पूरी होने दीजिए, जवाब दूं, जवाब दीजिए, जवाब दूं, मिश्रा जी को बहुत उतावला होगी आयुष्मान भारत योजना की। ठीक, आयुष्मान भारत योजना को जब लॉन्च किया गया था तो उस योजना के उस पर ही कहा गया कि इसको लागू करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, राज्य चाहेंगे तो लागू करेंगे, चाहेंगे तो नहीं लागू करेंगे। मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी लॉ बनता है तो लूप होल्स छोड़े जाते हैं पॉलिटिक्स में ताकि पॉलिटिकल वेपन्स के तौर पे यूज किया जा सके। अगर भारत की सरकार इतनी ज्यादा जब लागू किया, सुनिए सुनिए, अब मैं हमने नहीं लागू किया, क्योंकि हमने उससे बेहतर व्यवस्था दी है, क्योंकि हमने उससे बेहतर व्यवस्था दी है, क्योंकि हमने उससे बेहतर व्यवस्था दी है। महाराष्ट्र के साथ कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सुनिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, महाराष्ट्र के बात की रखिए जी, आपने सुनिए मेरी बात, दूसरी बात महाराष्ट्र की आपने बात की, एक मिनट, एक मिनट, महाराष्ट्र की आपने बात की, शांति के साथ, एक मिनट के लिए शांति के साथ सभी पैनलिस्ट से गुजारिश है, ये बात तो समय की कमी है कि मिश्रा जी, इसलिए आखिरी सवाल आप ही से लेना चाहती हूँ। सियासत हो रही है सिर्फ और सिर्फ, अगर देखा जाए तो आपने दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना है यहाँ पर, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या फिर बीजेपी की हो, लेकिन जो है वो रास्ता क्या है आखिर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे ये लोग या फिर जनता के लिए सहूलियतें भी इकट्ठा करेंगे? मिश्रा जी, पब्लिक
पहनना, सैनिटाइजर यूज करना। जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि वैक्सीन बन गई है तो पब्लिक के साथ साथ सारे लोग थोड़ा सा केयरलेस हो गए। अभी भी आप देखिए लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कम हो गया है। मैं बोलूंगा सियासत को आप छोड़िए, सरकारें अपना काम कर रही हैं, कोई भी है, अच्छा है बुरा है जितना है वो कर रही हैं। आप अपने आप को बचाइए, आप प्रिकॉशन टॉप पे रखिए। कहने का मतलब है मास्क पहनिए, सैनिटाइजर को आप वैसे ही आपातकालीन स्थिति की तरह प्रयोग करिए। कुछ ऐसे हेल्दी फूड डाइट या आप जूसेस वगैरह लेते रहिए, जैसे अदरक वगैरह के होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। अभी तक तो तरीका यही है। और उसके बाद जब वैक्सीन लग जाए या 100% जब इन्फॉर्मेशन आ जाए कि ये कंट्रोल्ड हो गया है, दवाई बन गई है, तब आप फ्री होके घूमिए। चलिए।